तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एंट्री के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या फिर नहीं, एडमिट कार्ड जिनका नहीं आया उनका क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ एक एक बात को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर जुड़ जाना। एक और इन्फॉर्मेशन है वो देखो और उसके बाद आगे बात करते हैं एक एक चीज़ पे। तो अकेडमी की तरफ से कई सारी बैच कोर्सेज लॉन्च कर दी गई हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बैच कोर्स है अपाचे एयरफोर्स XY। ये एयरफोर्स XY की कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि 17 जुलाई से 30 नवंबर तक चलने वाली है। और इसमें एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपकी क्लासेस लेंगे। अगर बात करें हम एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट्स की, तो उस टाइम पे 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्ज़ाम क्लियर करा था रिटेन एग्जामिनेशन को। आगे बढ़ते हैं तो ये संग्राम NDA 2 बैच कोर्स है जो कि NDA 2 के लिए स्पेशल बैच कोर्स है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो NDA 2 की तैयारी के लिए और ये NDA 2 के एग्ज़ाम तक चलने वाली है बैच कोर्स। और अगर बात करें NDA के लिए, तो NDA में लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं अनअकैडमी लर्नर्स जो थे। ओके, आगे बढ़ते हैं तो ये ऑफर्स है जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है आपको। 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ आपको फ्री मिल जाता है, 24 मंथ का अगर आप लोगे तो 4 मंथ। और ये 1st to 31st जुलाई तक एलिजिबल हो आप इसके लिए, यानी 1 से 31 जुलाई के बीच में जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे उन सभी के सब्सक्रिप्शन में ये एडेड होगा। ओके, तो अब लेना कैसे है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए प्राइसिंग लिखी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डाल देना है, रेफरल कोड जो कि मेरा है ABStudy10। वो डालते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको लेना है, क्योंकि 10% ऑफ आपको हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे करके पेमेंट डन करना और आपका हो जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन। जाओ इनरोल करो, फ़ायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब बात करते हैं कि करके, सबसे पहले तो बता दूं कि सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं, कुछ लोगों के आने शुरू हो गए हैं। और जो एडमिट कार्ड है उस पर ये साफ दिया गया है कि एग्जामिनेशन आपका जुलाई में ही होगा, यानी ऑलमोस्ट लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में ही कंडक्ट कराया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ग्रुप सी के लिए। तो अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना जाकर आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, जो आप जहां से आपने फॉर्म डाला होगा। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने भी स्पीड पोस्ट करा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बताया कि उनका स्पीड पोस्ट था और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो अगर आपने स्पीड पोस्ट करा है तो कम चांसेज हैं आपके एडमिट कार्ड आने के। क्या जिनका एडमिट कार्ड आ गया उनके लिए बता दूं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताई गई है चीज़ें, तो मैं भी नहीं बता सकता। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा आपके पास, क्वेश्चन टोटल 100 होंगे। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, पैटर्न क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ जो होगा वो 25 का 25 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस तथा रीजनिंग ये 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस भी होंगे इसके। और जनरल इंग्लिश ये जो है ये 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और टोटल टाइमिंग होगी आपकी 2 आवर्स की, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ट्राई करना कि एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, क्योंकि इतना कर सकते हो 100 नंबर के एग्जामिनेशन में, 50-60 मार्क्स आप कर सकते हो। बाकी आगे क्वालिफाइंग कट ऑफ जो भी होगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन इतना करने की कोशिश करना। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए या फिर नहीं, आपको बता दूं अगर आपकी मर्जी है तभी एग्जाम देने जाओ, क्योंकि सेंटर बहुत दूर है और सेंटर दूर देने की वजह मुझे नहीं पता है क्या है। तो आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हो ये मुझे नहीं पता, ये एयरफोर्स वालों को ही पता होगी चीज़ कि क्यों उन्होंने दूर दिया है COVID-19 के टाइम पे। अब वैक्सीन लगा के जाना है, वैक्सीन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वैक्सीन लगा के जाओ आप, ठीक है। अब बस COVID-19 से नेगेटिव हो ये एक बना लेना बस, उसके मतलब नॉर्मल जो चेकअप होता है ना COVID-19 का, वो रिपोर्ट ले लेना बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने ले लेना, एडमिट कार्ड जो आपका आया है वो सब ले लेना, ये सब चीज़ें आपकी चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हो तभी जाना, अदरवाइज मेरे बोलने पर मत जाना। कोई डिसीजन तो आपको सबसे पहले अपने खुद से पूछ कर लेना पड़ेगा लाइफ में,
ठीक है। तो ये डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको जाना है एग्जाम देने या फिर नहीं जाना है। अगर जाना है तो जाओ और एग्जाम दो। टोटल एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, जनरल अवेयरनेस, नंबरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, चार सेक्शन होगा और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। 2 घंटे की टाइमिंग मिल रही है भाई, 2 घंटे। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है कितना टाइम मिलता है, नेवी का एग्जाम होता है कितना टाइम मिलता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो आपको तो 2 घंटे मिल रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो। और सारे MCQs होंगे, ऐसा भी नहीं है कि कोई लिखना होगा क्वेश्चन को पेपर को, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे MCQs होंगे। तो आराम से जाओ एग्जाम दो और प्रॉपर तरीके से, और आपकी जो सिलेबस होगी वहीं 10th 12th लेवल बेस होगी, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो और जाओ। अभी जिनका भी एग्जाम है 20-25 जुलाई तक एग्जामिनेशन डेट रखी गई है, जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ इसका, ठीक है। अभी के लिए यहीं क्लियर करना था, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एडमिट कार्ड आ गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो उम्मीद छोड़ दो। अभी इस वीडियो में इतना ही बताना था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।